मेरा बयान ले लियो आप। नमस्कार, मैं हूँ मैक शर्मा और इस वक्त हम मौजूद है बसाड़ा टोल प्लाजा पर, जहां पर आपने तस्वीरें देखी, पूरी कवरेज देखी कि किस तरीके से गांव कैमला में जो आज सीएम का प्रोग्राम होना था वो नहीं हो पाया। हालांकि हेलीपैड तक भी तोड़ दिए गए, जो पूरा का पूरा मंच था उसको तोड़ दिया गया, सब कुछ खदेड़ दिया गया और अब जो किसान है वो यहाँ पर बसाड़ा टोल प्लाजा पर आए हैं और इनकी एक बार हम दास्तां सुन ले। देखिए वहां पर पुलिस जो है भारी दलबल के साथ वहां पर तैनात थी, लेकिन पुलिस के होने के बावजूद भी वहां पर कुछ लोग ऐसे आए हुए थे जो हथियारों के साथ आए हुए थे और उन्हीं के सामने उन हथियारों से वार भी किए गए। कुछ दो तीन लोग हैं जिनके ऊपर इस तरीके से हमला किया गया, उनसे हम जान लेते हैं और क्या कुछ पूरा मामला है उनसे जान लेते हैं। जी सर, क्या कुछ हुआ है? वो कुछ लोग नहीं कहो, अब कुछ लोग नहीं थे। मैंने 500 महिलाओं से, गांव वालों से आज बात करी, हाँ। तो ये 5-7 आदमी थे जिन लोगों ने मतलब ये प्रोग्राम रचना किया था, वो ठेकेदार हैं, सब कुछ भी है। पर मेरे को इस बात का दुख है कि ये नौजवान वैसे ही बैठा था, एकदम देखा मना मगा यार ये क्यों हो रहा है। इन्होंने भाई साहब एक दो सिंगी जेली सी आई। क्या हुआ यहाँ पर, क्यों आपकी जैकेट इस तरह से क्यों खराब हुई है? मैम, हम उधर जा रहे थे जो कैमला गाँव में रैली थी, उधर कट्टर का आंदोलन खराब करने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर जो सरपंच के भाई, छोटे भाई है राजेंद्र जी, वो दो जेड़ी ले फिर रहे थे, तो हम उनकी तरफ जा रहे थे अगर मंच की तरफ जहाँ पर हेलीपैड बना हुआ था, तो उन्होंने मेरी तरफ ये घुमाई। अच्छा। तो मेरी एक यहाँ से ये पट गई और यहाँ से उन्होंने दो बार मेरे पास वार किया और एक सरदार जी थे मेरे साथ जिनका उनका पैर पटा हुआ है और एक और था जो तीसरा बंदा था, उनको मैं देख नहीं पाया, तो वहाँ पर भीड़ ज्यादा हो गई तो हमने उनको दाब लिया था, तो बस मेरी जान वहाँ से बच चुकी और अपना आंदोलन हम। ये देखिए, प्रशासन ने कहा था कि अगर किसान शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को करेंगे, अगर वो शांतिपूर्वक तरीके से रैली को रोकेंगे तब उनके ऊपर हमला किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो किसान है वो शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने आज इस रैली को रोका है, इस रैली को, इस कार्यक्रम को बंद किया है। आपके ऊपर हमला हुआ है कुछ? नहीं नहीं मैम, बस बच गए, जो पेट में चलने से बच गई, ये कपड़ा फट गया थोड़ा सा और इधर से जो दूसरा भाई था सरदार जी थे बड़े बुजुर्ग, उनको चोट लगी हुआ, उनका सारा पैर कटा फटा था। कैमला गांव के सरपंच के भाई हैं जो ये हथियार लेकर घूम रहे, राजेंद्र नाम है जी उनका, राजेंद्र नाम है छोटे भाई उनके, तो पुलिस प्रशासन ने भी देखा कि उनके हाथों में हथियार है इस तरीके। तो मैम वो तो देखो पुलिस वालों ने या तो उनको दिए हुए हैं या फिर उनके ऊपर जो कार्रवाई नहीं थी वो सिर्फ कार्रवाई हमारे लिए ही फिर रहता जो उनके, अगर वो लग भी जाती तो कौन जिम्मेवार था उनका। आंसू गैस के गोले भी इनके ऊपर दागे गए, यही वो किसान है, लाठी चार्ज भी उनके ऊपर ही की गई, पानी की बोछारे भी इनके ऊपर की गई, हथियार भी वही लेकर आए। हालांकि इनकी तरफ से कोई हमला पहले नहीं किया गया था, इनकी तरफ से तो कुछ किया ही नहीं गया था, ये तो शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इनके ऊपर भी हमलावरों ने इनके ऊपर भी हमला कर दिया, इनकी जैकेट तक फट चुकी है। आपके ऊपर भी हमला किया गया? बेटे हम गए थे अपनी मांग लेकर, हम कोई दंगा नहीं करने गए, और बच्चा से हमने ये कह दिया था बेटे कोई काम गलत नहीं करना, और बच्चा ने कोई काम नहीं बेटे गलत करया, उन्होंने पहले सुगा छोड़ी बच्चा पे, बच्चा ने फिर भी ना तो कोई पथराव कराया ना कोई करया, और बेटे उन्हें देख क्या हाल बना रखे, मेरा भी बुढ़े आदमी का भी, हमने न्यू कहा भाई शांति प्रिया मांग मांगो, और हम बेटी मांग मांगन गए थे, इन्होंने गलत करया, सारा प्रशासन ने गलत करया बेटी, और जो है नी इतना वो करया, गांव ने तो बहुत साथ दिया हमारा और गांव ने बड़ा साथ दिया बेटी, और उस गांव का तो मैं बहुत ज्यादा सियान मानू बेटी। देखिए हमला करने वालों ने ना ये देखा कि बूढ़े लोग हैं, ना ये देखा कि बच्चे हैं, ना ये देखा कि युवा लोग हैं, हर किसी पर हमला कर दिया। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बसाड़ा टोल प्लाजा पर, जहाँ पर कैमला का कार्यक्रम रद्द करने के बाद जो किसान है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पर बैठ चुके हैं, और आने वाली इनकी क्या कुछ रणनीति रहेगी वो भी हम इनसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये किसान जो यहाँ पर बैठे हुए इनके बारे में बता दूं कि इनके भी सर पर उसी हमले, उसी वार से जो है इनके ऊपर वार किया गया, उसी हथियारों से इनके ऊपर वार किया गया। ये देखिए जेली जो होती है हरियाणवी में, जिसको जेली बोला जाता है, जिस डंडे के ऊपर जो है दो सिंह होते हैं उससे जो है वार किया गया, और इनके सर पर देखिए चोट यहाँ पर आई है, आप देख सकते हैं चोट का निशान बन चुका है, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, हर कोई इस आंदोलन में है, लेकिन जब इनके ऊपर हमला किया जाता है तो इनके ऊपर कुछ नहीं सोचा जाता। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
जी हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये जो काले कानून है इनको वापस लिया जाए और हम अपने अपने घर को चले जाएं। ये बहुत जो जालम सरकार है इनका जो रवैया ये सख्त है, ये इसको छोड़ देना चाहिए। आपको चोट ये किसने पहुंचाई है, कैसे आई है ये चोट? मैं तो जानता नहीं किसने मारी है। जब हम खट्टर के वो स्टेज के पास गए हैं तो वहाँ मेरे को चोट लगी, किसी ने डंडा मारा, पता नहीं पुलिस वाले ने मारा है या किसी उसके खट्टर के गुंडे ने मारा है। अगर यही हथियार आप लोग लेकर जाते तो आपके साथ क्या कुछ होता? हम हथियार लेके जाना नहीं चाहते, हम शांत में ही आंदोलन है हमारा, हम शांत में ही रखेंगे। आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? रणनीति जो हमारे लीडर हैं वहाँ दिल्ली पर बैठे हैं, वो जैसे कहेंगे हम उनकी आदेश का पालन करेंगे। अब तक तो जो कुछ भी किसानों ने कहा है वो हुआ है। अगर उन्होंने कहा था कि ये प्रोग्राम रद्द करेंगे, दैट मींस करेंगे, और उन्होंने वो प्रोग्राम रद्द भी किया, सीएम को यहाँ पर नहीं आने दिया, इसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमने यही टारगेट रखा था कि हमने ये इसका जो बहिष्कार किया है खट्टर का वो हम करेंगे, कभी हम उसको किसी गांव में भी नहीं बढ़ने देंगे, तो वो हमने कर दिया है जी। देखिए, अगर मैं आंसू गैस की बात करूं तो वो हमने खुद उसको फील किया है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और ये वही किसान है। और एक और बात मैं आपको आंसू गैस के बारे में बता दूं कि अगर कोई विश्व में कोई लड़ाई होती है, दो देशों के बीच में कोई लड़ाई होती है तो प्रतिबंध लगाया गया है, आंसू गैस वहां पर भी नहीं छोड़े जा सकते, लेकिन यहां पर इसी देश के नागरिकों पर आंसू गैस जो है छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस उनके ऊपर इस तरीके से हमला किया जा रहा है जैसे वो कोई टेररिस्ट हो। ये खुद किसानों का कहना है कि उनके ऊपर इस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं जैसे वो इस देश के ही नहीं है, देशद्रोही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई देशद्रोही नहीं है, ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये जन जन का आंदोलन है यहाँ पर। जी सर, आप अथरू गैसों की मैडम बात कर रही थी, ये जो खट्टर सरकार है ऐसे तो इतनी बुरी मतलब सोच से और इतने माड़े हथकंडे बना करके, इतने अथरू गैस तो है ये चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ, इनके कहीं दंगे हो जाए जहाँ ये जो इनका चलता है वो हो जाए तो वहां भी नहीं चलाएंगे। हजारों की 100 से ऊपर ही इन्होंने आज अथरू गैस छोड़ा है। दो देशों में अगर लड़ाई हो रही है तो वहाँ पर आंसू गैस नहीं छोड़े जा सकते क्योंकि मना किया हुआ है, इस पर पाबंदी लगाई हुई है। जी जी बिल्कुल, वहाँ भी पाबंदी है और वहाँ भी सीमित तरीके से युद्ध लड़ा जाता है, और यहाँ पर तो ऐसे इन्होंने छोड़े हैं जैसे ये चीन के साथ और पाकिस्तान के और गुंडे छोटे रखे, ऐसे इन्होंने ये हमारे साथ इतनी मतलब गलत तरीके से काम किया। ये खट्टर सरकार हरियाणा सरकार करी पहले दिन के कुछ नियम होते हैं लेकिन उन नियमों को भी तोड़ दिया। सरकार के पास कोई नियम है ही नहीं है, ये किसानों की दुश्मन सरकार है, ये इसके पास कोई नियम नहीं है, ना सेंटर सरकार के पास है ना हरियाणा सरकार के पास है। आने वाले समय में बीजेपी सरकार को दोबारा से देखेंगे? आने वाली बीजेपी सरकार तो ये देश के अंदर इनकी 20-25 साल तो इनको पहले ही ना किसी ने घुसने दिया, आने वाले तो ये अगली पीढ़ियां जो है इनका नामो निशान ही मिटा देंगे देश में। ये इनका क्या ये वर्ल्ड का ये जो आंदोलन है ये हमारा अकेला नहीं। वहाँ आने वाली 26 जनवरी को क्या कुछ रहने वाला है? 26 जनवरी जो आने वाली है उस 26 जनवरी में जो हमारी जथेबंदियां फैसला लेंगी, चाहे हमारी वहाँ जाने चली जाए, हम कोई अपनी तरफ से किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, गोलियां भी खाएंगे, अगर शहीदियां देनी पड़ी तो जितनी मर्जी शहीदियां देनी पड़े वहाँ उतनी जाके देंगे। अगर हमारे को आगे जाने का आदेश हुआ भी अपने बैरिकेड तोड़ के जाना है, जो जथेबंदियां फैसला लेंगी तो बिल्कुल किले से पहले आपको बैरिकेडिंग तोड़नी पड़ेगी, आपको बॉर्डर लांग कर अंदर जाना पड़ेगा, तो वहां से आप अंदर जा पाएंगे? अगर जथेबंदियों ने फैसला ले लिया तो बिल्कुल जाएंगे, किसी हालत भी में नहीं हटेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर जथेबंदियां कहेंगी भी परेड करनी है अमन शांति से वो भी करेंगे। आप जोश देख सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, और 26 जनवरी को मेरा मानना ये है कि अब तक का सबसे बड़ा जो भी आंदोलन में जो भी नया जो टर्नओवर है वो आने वाला है। 26 जनवरी जो है याद किया जाएगा क्योंकि देखिए गणतंत्र दिवस है, और उस दिन किसानों ने आह्वान किया है कि हम जरूर जाएंगे। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भी लोग हैं वो गायब हैं, कुछ किसान गायब हैं यहाँ से, किसी संगठन से? ऐसा है जी, हमारे 7 किसान इकट्ठा थे, और जो अलीपुर रोड पे एक भट्ठा है उस भट्ठे पे हमारे 3 किसान इन्होंने उठा लिए, जो 4 किसान थे वो छुप गए। जब वो दोबारा वापस जब पुलिस वहां से चली गई तो उन्होंने देखा कि वो 3 किसान थे नहीं, अब वो 4 किसान हमें बता रहे हैं कि वो 3 किसान को पुलिस उठा के ले गई जिप्सी में। और अभी हमारी बात भी हुई है एसपी साहब, एसपी करनाल से, उन्होंने हमें ये कहा है कि हमारे पुलिस ने तो उठाया नहीं, हम तो आपके माध्यम से आईबीएन के माध्यम से यही प्रशासन से कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे किसानों का तुरंत पता लगाए। तो और थाने का कुछ घेराव करने की भी कोई बात चल रही थी?
ऐसा है जी, देखो गिराव तो बाद की एक वो है, जब हमारे वो एसपी साहब ने आश्वासन वैसे दिया है कि हम पता करा के आप कि किसी की गिरफ्तारी आज नहीं हुई है। हाँ, उन्होंने कहा किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो तीन चार आदमियों के सामने जो इनको उठा के लेके गए हैं उनके सामने वो हमें बताओ कौन से हैं, वो बताएंगे कौन सी गाड़ी थी, कौन सी नंबर था। वो अभी हम आने वाले हैं दो चार मिनट के अंदर, उनको लेके फिर हम प्रशासन के पास जाएंगे। असल में देखो जी, हमारी तो प्रशासन से कल भी हमने गुहार लगाई थी कि पूरा देश का किसान यूनियन के बस की बात नहीं रही, अब हर किसान नेता बन चुका है और वो इस सरकार से नाराज है। हमारी उनसे यही बार बार हमने उनसे अपील करी कि आप खट्टर साहब को गए कि ये जो प्रोग्राम करना है आप एक दो महीने बाद जब हमारा आंदोलन बंद हो जाएगा उसके बाद आप जब हमारी बात सरकारें मान लेंगी उसके बाद आप जहां मर्जी जितने मर्जी प्रोग्राम करो, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है प्रोग्राम करने से। हमारी तो ये कि भी आप एक तो उसका नाम रख रहे हो किसान महापंचायत और ये जो प्रोग्राम है, वहाँ किसान थे, वहाँ किसान पहुंचे हुए थे उस किसान सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए। किसान तो असली किसान तो यहाँ पे टूल प्लाजे पे है, लाइव है, लाइव प्रशासन से किसान यूनियन की ओर से ये अपील करने जा रहे हैं। हमें पता लगा है इन्होंने कुछ हमारे किसान गिरफ्तार किए हैं, अलग अलग एरिया के किए हैं, कुछ कुरुक्षेत्र के हैं, कुछ इंद्री के हैं, कुछ पानीपत के हैं और कुछ हमारे निसंग ब्लॉक के हैं। हमने एसपी साहब से बात की थी, उन्होंने हमारे आगे ये दावा किया था, एसपी साहब से बात की थी, वो कह रहे थे हमारे पास कोई बंदा नहीं है, पर हमारे बंदे हमें मिल नहीं रहे। हम अपने चाहे आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को अपील करते हैं, रात रात को हमारे बंदे छोड़ दो घंटे तक, नहीं तो कल 10 बजे हम यहाँ हजारों की संख्या में आएंगे और घेराव करेंगे और यहाँ इस जीट रोड को ब्लॉक करेंगे कल सुबह 10 बजे। ये हमने अपने बंदों को भी अपील करते हैं, यदि हमारे बंदे ये नहीं छोड़ते तो हमारा अगला स्टेप ये रहने वाला है और प्रशासन इन बंदों को हमारों को जल्दी से जल्दी रिलीज कर दे। ये हम उनसे अपील करते हैं, हमारा कोई भी बंदा गिरफ्तार नहीं रहना चाहिए। ये गिरफ्तार करेंगे तो कल 10 बजे हम जीट रोड को भी जाम करेंगे और उसके बाद कुछ हम आगे का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, वो जैसे हमारी यूनियन की सुबह मीटिंग होगी उसमें फैसला लेंगे। तो ये हमारी अपील है, किसान नेता है और कह रहे हैं कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो किसान जो यहाँ से गायब है अगर उनको गिरफ्तार किया गया है, हालांकि एसपी करनाल ने इनको ये आश्वासन दिया है कि कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन अगर इनका कहना है कि अगर हमें बाद में पता चलता है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो ये घेराव करेंगे और कल 10 बजे तक जो है पूरा का पूरा जीटी रोड जाम कर देंगे। जी, जाम कर दिया जाएगा। देखिए, हमारी प्रशासन से एक अपील है, रात रात में हमारे किसान हमारे घर पहुंचने चाहिए, नहीं तो सुबह, आज तो अभी आपने हमारी झांकी देखी है, सुबह आपको जो 26 जनवरी से पहले आपको झांकी दिखा देंगे, पूरे प्रदेश का किसान यहाँ पे करनाल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा अगर रात रात भर में हमारा किसान उनके घर नहीं पहुंचाया तो। आप हमें कुछ लिपापोती करने की कोशिश मत करो, आप किसान की ताकत आपने आज देख ली होगी और अगर आप ज्यादा जाति करने की कोशिश करोगे और किसी भी किसान को हमें रात भर, ठीक है अभी हम ये कह रहे हैं कि हमने नहीं गिरफ्तार करा भी है तो छोड़ के उनके घर आ जाओ, नहीं तो सुबह तक इतने लाख किसान आ जाएगा, आपसे स्थिति आपके बाहर हो जाएगी और हम भी नहीं फिर संभाल पाएंगे। ये मैं मेरी प्रशासन से, करनाल एसपी से और आईजी साहब से अपील है, रात रात भर में हमारे किसान घर पे पहुंचने चाहिए, अगर किसी भी किसान को इन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश करी तो कई लाख किसान ये है जो हाईवे बंद हो जाएगा, फिर मत करो ना कि ये किसान जाति कर रहे हैं, हम जाति नहीं कर रहे, ये जाति कर रहे हैं। हमने इनको कल जब बोला था कि आप ये मीटिंग रद्द करो, क्यों आपने फिर मीटिंग रखी है, आज भी तो खट्टर नहीं आया, ये कल ही रुक जाता, ये आदमी क्या ये स्टेट का सीएम है, लॉ एंड ऑर्डर इसकी जिम्मेवारी है मेंटेन करने के, ये किसानों को मरवाना चाहता है, हमारे भाइयों को, हमारे आज भी कुछ किसान नहीं थे वहां पे, सिर्फ और सिर्फ अराजक तत्व थे, गुंडे लोग थे, आज भी हमारे आदमी जब बाहर खड़े हुए थे उन्होंने गुंडागर्दी करने की कोशिश करी और लाठी और गंडासी पुलिस की मौजूदगी में वो लाठी और डंडा लेने, क्या ये गुंडा राज चल रहा है देश का, किसान एक पीसफुल आंदोलन कर रहा है और ये हमारी ये सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। परसों भी आपने मीडिया ने भी देखा होगा वो हमारे आदमियों को लड़ने को आए, हमने हाथ जोड़ के आए, आज भी हमारा सिर्फ विरोध कर रहे थे, उस विरोध को भी नहीं करने थे, ये हमारा पीसफुल अधिकार है विरोध करना, विरोध भी नहीं करने थे और जब हमारे आदमियों पे हमला उन्होंने करा, लाठी डंडों से हमारे आदमी इंजर्ड हुए हैं, फिर भी हमारे आदमी कोई आगे नहीं बढ़े, उन्होंने हमारे आदमियों को चोटें मारी हैं, ये बड़ी प्रशासन जाति कर रहा है, हमें विरोध भी नहीं करने देता। अब रात रात मेरी आपके आईबीएन के माध्यम से अपील है कि रात रात हमारे किसान
पहुंचने चाहिए घर में, नहीं तो सुबह देखना बनता क्या। कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक किसान ही किसान जीटी रोड पे होगा, फिर मत कहना किसान जाति कर रहे हैं। देखिए चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र तक पूरा जो रोड है वो जाम कर दिया जाएगा, जीटी रोड जाम कर दिया जाएगा, ये खुद किसान नेता कह रहे हैं। और करनाल के SP DC जो आईजी मैडम है भारतीय अरोड़ा, उनसे ये अपील कर रहे हैं कि अगर इनके कुछ किसान गिरफ्तार किए गए हैं तो उनको वापस उनके घर छोड़ दिया जाए, वरना कल 10 बजे तक जीटी रोड जाम हो जाएगा। आप सभी लोगों से अपील की इस खबर को, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। मैं हूं महक शर्मा अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ और पूरी IBN 24 की टीम के साथ पल पल की अपडेट के साथ, और इन तस्वीरों को, इन खबरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।